नमस्कार। शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी मंगलवार को एक बार फिर राज्य की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गए जब उनकी तरफ से बाड़मेर जैसलमेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने को लेकर उनके समर्थक भी काफी उत्सुक थे। वो लगातार भाटी के समर्थन में लोकसभा चुनाव में उतरने की मांग कर रहे थे। भाटी के समर्थन में काफी सोशल मीडिया ट्रेंड भी हो रहा था। समर्थकों द्वारा चलाया जा रहा यह ट्रेंड भाटी के चुनाव लड़ने के मंसूबों को पक्का ना कर दे, इसके लिए बीजेपी की ओर से कई बार कोशिशें हुई। यहां तक कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मोर्चा संभाला, रविंद्र सिंह भाटी को अपने साथ उदयपुर के दौरे पर लेकर गए। ऐसा लग रहा था कि सीएम के साथ बातचीत के बाद अब भाटी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करेंगे। भाटी ने उस वक्त भी कहा था कि अंतिम फैसला जनता से बात करके होगा, और आज बाड़मेर के आलोक आश्रम में हुई सर्वसमाज की बैठक में अपने समर्थकों से चर्चा करने के बाद भाटी ने खुले मंच से लोकसभा के रण में उतरने का ऐलान कर दिया। बता दें आपको कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को यहां से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया। ऐसे में कैलाश चौधरी के सामने सीट बचाने की बड़ी चुनौती होगी। उधर कांग्रेस ने आरएलपी से दल बदल कर आए उमेदाराम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। भाटी ने अपने आज के भाषण में कहा कि अब समय आ गया है कि 21 लाख वोटर, 2600 बूथ, एक महीने का वक्त, मैं मेरा सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं, आप हिम्मत और ताकत बन सको तो हाथ खड़े करो। रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का यह कहते हुए ऐलान किया। लोकसभा चुनाव अब रविंद्र सिंह भाटी लड़ने जा रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर से वो निर्दलीय विधायक होंगे। इस पर चर्चा की हम लोग शुरुआत करेंगे, हमारे साथ कुछ संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आलोक आश्रम में हुई इस सर्व समाज की सभा में भाटी ने क्या ऐलान किया। आप सब भाइयों आगे ईश्वर का साक्षी मानते हुए मैं ये चीज रो वचन लिया कि धारो भाई रविंदर, आप सब छत्तीसी कौम रे लोगारो, बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा री जनता री जन भावना ना केद भी नीची को निगरण दे, आप सबारे सम्मान रे वास्ते आगे आए। आगामी लोकसभा चुनाव रे बिना ये छत्तीसी कौम री जन भावना ना देखते हुए चुनाव लड़ से हमें आप सबारी भारी है हिम्मत होके तैयार रहे। और आज लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए ये वीडियो आप देख रहे थे रविंद्र सिंह भाटी का, जो कि शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं और अब लोकसभा के इस महासमर में भी उतरने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। हमारे संवाददाता बाड़मेर से राजू माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ जरा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी फैक्टर जो है वो इस आम चुनाव में अब कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। राजू, रविंद्र सिंह भाटी ने तमाम कयासों के बाद आज ये खुलकर ऐलान कर दिया कि वो चुनावी मैदान में होंगे, और जब चुनावी मैदान में होंगे तो फिर चुनौती होगी बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। कितना बड़ा फैक्टर आज रविंद्र सिंह भाटी का ये ऐलान होने वाला है बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा चुनाव में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो रविंद्र सिंह भाटी ने आज जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान यहाँ से होता दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी को दिखता है, क्योंकि निश्चित रूप से जो युवा है वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, और रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव में आने के चलते अब लग रहा है कि युवाओं में रविंद्र के भाटी जबरदस्त जोश है, तो इसलिए युवा वर्ग जो है वो रविंद्र भाटी के साथ जाएगा। और जैसा कि ज्ञात हो कि रविंद्र सिंह भाटी के शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत थे, उन्होंने देवदर्शन यात्रा भी शुरू की थी जैसलमेर में, वहां उसको जबरदस्त तरीके से जनसंपर्क मिल रहा था, ऐसे में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के पहले से ही संकेत थे, लेकिन उन्होंने ये फैसला जनता पर छोड़ते हुए जनता को साथ लेने के लिए इतने दिनों का इंतजार किया और आखिरकार एक बड़ी जनसभा आज बुलाकर उस जनसभा में लोगों की सहमति के साथ चुनाव लड़ने की ऐलान किया। जी बिल्कुल राजू, ये ऐलान तो हुआ है भाटी की तरफ से और आप बता रहे हैं कि बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए होने वाली है, लेकिन भाटी पूरे क्षेत्र में इस वक्त उनका क्या माहौल नजर आ रहा है, और कैलाश चौधरी के सामने जब वो एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े होंगे तो क्या विकल्प अब बीजेपी के पास भी दिखाई दे रहे हैं? जी, फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं दिखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए केंद्र से लेकर राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय नेताओं ने प्रयास किए ताकि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सामने आ रहा था, रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी की
सरकार के साथ जाना चाहते थे, लेकिन सरकार उनको ले नहीं रही थी, जिसके चलते रविंद्र सिंह भाटी ने ये सारा कुछ जो घटाक्रम चला, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उन्होंने इस आराधना यात्रा निकाली, और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया कि यदि ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान भाजपा के होगा, उसके बाद जागे। लेकिन कहते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और रविंद्र सिंह पार्टी ने जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा था उसको लेते हुए उन्होंने आखिरकार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नहीं तो राजू, अब उमेदा राम चौधरी, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया, आरएलपी से आए थे और कांग्रेस अपेक्षा कर रही थी कि उनके दम पर वो कैलाश चौधरी को मात दे देगी, लेकिन अब भाटी एक तीसरा मोर्चा लेकर के सामने जब खड़े हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस के लिए तो और ज्यादा चुनौती बढ़ सकती है जीतने की। जी बिल्कुल, क्योंकि जो कांग्रेस से जो उम्मीदवार है उमेदा राम बेनीवाल, वो भी जाट समाज से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है कैलाश चौधरी, वो भी जाट समाज से आते हैं। ऐसे में ये पूरा संभावना है कि जाट समाज का जो वोटर है वो दो भागों में बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और रविंद्र सिंह भाटी एक राजपूत चेहरा है तो निश्चित रूप से आर समाज का सपोर्ट उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है, और खासकर जो युवाओं में उनके प्रति जोश है, जो विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि जबरदस्त तरीके से लोग इनके लिए प्रचार कर रहे थे, अपने स्तर पर वोट दिला रहे थे, तो लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में ये निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए इन्होंने नींदे उड़ाई है, और ये आगामी दिनों में जो बालोतरा क्षेत्र है वहां पर भी एक जन आशीर्वाद यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी तो एक महीना है, लेकिन कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के इस चुनाव में उतरने के चलते बड़ा ही रोचक चुनाव है, बड़ी ही बड़ा कुछ इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जैसलमेर से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीकांत, अब जानकारी तो सबसे बड़ी बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए ये हो गई है कि रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है, और जन आशीर्वाद यात्रा वो निकाल रहे थे, बीच में आपकी भी उनसे कई बार मुलाकात हुई उस यात्रा के दौरान, कई बार प्रचार के दौरान भी, अब उनकी जो बढ़ती हुई राजनीतिक शख्सियत है और ग्राउंड की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लाखों की संख्या में अब दिखाई दे रही है कि भीड़, एटलीस्ट कई हजार जनता वहां पर थी, तो ये जो जनता का समर्थन है ये केवल क्या अब हम माना जाए कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर उसी रूप में है जैसे विधानसभा में था? राहुल देखिए, ये खबर बाड़मेर और जैसलमेर के लिए नहीं अपितु पूरे राजस्थान की, जो 25 सीटें भाजपा चाहती थी, तो पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी खबर है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी सीट और देश की दूसरी सबसे बड़ी सीट जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा है, वहां पर अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दिए, और लोग कहते हैं कि रविंद्र सिंह जोशीले हैं और चुनावी सफर में कूद चुके हैं, लेकिन उनके आंकड़ों की बात करें, उनके गणित की बात करें, तो हर बार उनकी जो गणित है उनकी टीम बड़ी बराबर लगा लेती है, और वो हर बार कहते आए हैं। मेरे इंटरव्यू में जब हम एनडीटीवी के लिए खास बातचीत उनसे कर रहे थे, जब वो देव दर्शन यात्रा पर 11-12 मार्च से लेकर 13-14 मार्च तक जैसलमेर में थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो पलड़ा है वो निर्दलीय में भारी रहता है, तो एक संकेत उन्होंने सबसे पहले हमें दे दिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके बाद कई प्रयास, कई खबरें, कई प्रयास, तीनों ही चीजें देखने को मिली। प्रयास थे कि वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे और वो जो है राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर वाली प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उन्हें भाजपा में जाना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आराधना यात्रा और देव दर्शन यात्रा के तहत जो है भारी समर्थन उन्हें मिल रहा था, युवाओं में काफी क्रेज है, लेकिन बुजुर्गों का जो साथ उन्हें मिला, महिलाओं का जो साथ मिल रहा है, कई जगह पर हम देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स इंटरव्यू करते हैं, घूमते हैं जो लोग, वो जब रेंडमली किसी से पूछते हैं और मोदी का नाम आता है, लेकिन जब फिर बात रविंद्र की होती है तो रुख बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रविंद्र एक बड़ा फैक्टर रहेंगे इस चुनाव और त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन श्रीकांत, विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत जरूर हासिल करी, वो निर्दलीय विधायक बने, लेकिन बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था। जो सेकंड आए फतेह खान लड़ रहे थे, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, 75,000 वोट उनको भी प्राप्त हुए थे। राहुल देखिए, वो गणित आपकी बात सही है कि अंतर बहुत कम था, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि उस क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता जो है वो मुस्लिम मतदाता है। अगर हम शिव की बात करें, वहां पर दो कैंडिडेट थे। राजपूत वोटर्स की बात करें तो वो मुस्लिम मतदाताओं से लगभग आधे के करीब है, और दो राजपूत मतदाता भी खड़े थे, और दूसरे जो थे वो बीजेपी से थे, शंख का एक बड़ा चेहरा थे जिनका अभी भी बार बार नाम आता है, और कहीं ना कहीं रविंद्र का वापस बीजेपी में शामिल न होने का उन्हें कारण भी माना जाता है, जो स्वरूप सिंह कह रहा है। एक लेटर जो वायरल हुआ बीजेपी का, जिसमें रविंद्र सिंह के डिजायर पर दो जो है वो हेडपंप दिए गए, 20 हेडपंप स्वरूप सिंह खारा के नाम डिजायर दिए गए, वहां से जो है नाराजगी शुरू हुई और ये नाराजगी बढ़ती रही। सीएम ने भी प्रयास किए, कई केंद्रीय मंत्री भी इस
दौड़ में आए कि वो मना लेंगे। और कई बीजेपी के नेताओं ने दावा भी किया कि समय रहते रविंद्र को मना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रविंद्र के भाषण की बात करना चाहूंगा राहुल, क्योंकि आज का जो भाषण था उसने काफी कुछ समीकरण सामने रखा है। रविंद्र का एक कई डायलॉग है जो बार बार लाठा रहो भचीर, ये सब सुर्खियां हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात करें तो उनके भाषणों में उनका जमीनी समीकरण भी देखने को मिलता है। जिस तरह उन्होंने चुनाव की घोषणा की, जो अंतिम 10 पंक्तियां कही उसकी शुरुआत उन्होंने की थी कि 21 लाख मतदाता, 2600 बूथ और उसके साथ ही साथ एक महीने का वक्त, जो कि बराबर सटीक समीकरण है। ऐसे ही और फिर ये भी कहा कि मेरा सब कुछ दांव पर है, अगर आप हिम्मत करते हैं मेरा साथ देने के लिए तो फिर मैं आगे चलूं। और लोगों ने व्यास श्रीकांत इस पर लोगों ने हाथ खड़े किए और फिर भाटी ने चुनाव का ऐलान कर दिया। तो बाड़मेर जैसलमेर दोनों ही ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप दोनों लोगों के लिए बड़ा एक्शन रहने वाला है, अब बड़ा दिलचस्प ये चुनाव भी रहेगा। फिलहाल आप दोनों लोगों ने तमाम जानकारियां दी। बाड़मेर से राजू माली हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, श्रीकांत व्यास जैसलमेर से थे, शुक्रिया आप दोनों का।